welcome back to my channel. This is Sukhmani Gorsodi. I'm a numerologist, a tarot consultant and a life coach. कैसे हैं आप सब लोग गाइज? उम्मीद करती हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे. तो आप सब लोगों को मैसेजेस की जो वीडियोस हैं वो बहुत पसंद आती हैं. मुझे बहुत सारे मेल्स मिलते हैं जिसमें रिक्वेस्ट आती है कि मैसेजेस पे मैं और रीडिंग्स करूं. तो आज मैं एक पूरी रीडिंग ही मैसेजेस पे करने वाली हूं कि उनकी तरफ से क्या मैसेजेस हैं. हम बहुत सारे डेक्स से, डिफरेंट डिफरेंट डेक्स से देखेंगे आज कि वो क्या मैसेजेस आपको देना चाहते हैं. उनके कुछ स्पेशल मैसेजेस जो उनके मन में हैं, वो आपको कौन से ऐसे मैसेजेस हैं जो बताना चाहते हैं, देना चाहते हैं, आज हम वो चेक करेंगे. और आपके लिए गाइडेंस मैसेजेस भी पिक करेंगे स्पिरिट गाइड से, गॉड से, यूनिवर्स से. क्या वो आपको गाइडेंस देना चाहते हैं? आप जिस भी सिचुएशन में स्टक हैं उसके लिए वो क्या आपको गाइडेंस देना चाहते हैं कि आपको क्या करना चाहिए जिससे कि आपकी लाइफ बेटर हो. तो जो भी मैं यहाँ पे मैसेजेस देती हूँ, ये सिर्फ ऐसा नहीं है कि आप इसको सुनकर बस एक एंटरटेनमेंट के लिए ले लें और उसको निकाल दें. उन मैसेजेस को आप डेफिनेटली आप अपनी लाइफ में अप्लाई करें, आपको बहुत हेल्प मिलेगी और आपकी लाइफ जो इतनी प्रॉब्लम में आ जाती है या कोई ब्लॉकेजेस आ जाते हैं आपकी लाइफ में, तो आप उससे आराम से निकल पाएंगे, आपको बहुत हेल्प मिलेगी. इसलिए प्लीज़ उन बातों को, आप उन मैसेजेस को जो भी आपको मिलते हैं इस वीडियो से, उसको आप सीरियसली लें एंड उसको अपनी लाइफ में फॉलो करें. क्योंकि सिर्फ सुनना ही इनफ नहीं होता है, अपनी लाइफ में उसको लेकर आना, इम्प्लीमेंट करना, एग्जीक्यूशन भी उतना ही इम्पॉर्टेंट होता है जितना कि आपने सुना, समझा, देखा. ओके, चलिए ठीक है. तो सबसे पहले तो हम ये देख लेते हैं कि आपके जो डिवाइन काउंटर पार्ट है उनकी तरफ से क्या मैसेजेस हैं, वो आपको क्या मैसेजेस देना चाहते हैं. अगर कुछ मैसेजेस वो आपको देना चाहेंगे तो वो मैसेजेस क्या होंगे? चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि रीडिंग्स आपसे रेजोनेट हों, और शेयर ज़रूर करनी है आपने इस रीडिंग को. पसंद आएगी तो लाइक भी करना है. मेरी ही रीडिंग नहीं, जिससे भी आप कुछ भी गाइडेंस ले, चाहे वो म्यूज़िक की वीडियो है, चाहे वो किसी टैरो रीडर की वीडियो है, किसी से भी आप, जिससे भी आपको कुछ सीखने को मिल रहा है, आप प्लीज़ उनकी रीडिंग को लाइक कीजिए एंड कॉमेंट कीजिए, शेयर कीजिए, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँच पाए. एंड वो आपके लिए ही बहुत अच्छा होगा, आपके ही कर्माज अच्छे हो रहे हैं. अगर हम हमें कुछ भी सिखा रहे हैं, छोटी सी चीज़ भी जो हमको लाइफ में हेल्प कर रही है, तो क्यों नहीं हम उनको, हमसे एक सिर्फ लाइक का बटन प्रेस नहीं होता क्या? इतना भी हम नहीं कर सकते हैं, ठीक है? तो ये किसी के साथ भी बोल रही हूँ, सिर्फ मेरे साथ नहीं. जिसकी भी आप रीडिंग देखें उसको ज़रूर लाइक करें. चले अब जल्दी से हम ये देख लेते हैं कि मैसेजेस क्या हैं आपके डिवाइन काउंटर पार्ट की तरफ से, क्या मैसेजेस हैं. एक मैसेज हमारे पास आ गया है. ओके ठीक है, हमारे पास जितने मैसेजेस हमने इस डेक से लेने थे वो हमारे पास आ गए हैं. माई सोल स्टिल रिमेंबर्स योर टच इज मैजिकल, आई वॉन्ट टू किस यू अगेन. तो सबसे पहला मैसेज जो यहाँ पे आया है वो ये आया है कि ये पर्सन आपको किस करना चाहते हैं. इनकी जो सोल है वो अभी भी तो आपके टच को याद करती है. जिस तरीके से आप उनको टच करते हो, जिस तरीके से आप उनके साथ उनको हग करते थे, उनके साथ टाइम स्पेंड करते थे, आपका टच जो है इनको बहुत मैजिकल लगता है. और ये आपको फिर से किस करना चाहते हैं. सबसे पहला मैसेज ये आया है, जैसे कि आपको, आपसे कोई जैसे हग चाहते हो, किस चाहते हो, एक एक फिज़िकल टच चाहते हो, इस तरीके का मैसेज ये पहला आया है. दूसरा मैसेज है, आई एडमिट आई वॉज ब्रेन वॉश्ड बाई नेगेटिविटी, अदर पीपल आर जस्ट जेलस ऑफ आर कनेक्शन. तो ये यहाँ पे ये बोलना चाह रहे हैं कि ये मानते हैं कि इन्होंने जो है कुछ चीज़ें गलत करी हैं और इनका ब्रेन वॉश हुआ था नेगेटिविटी से. इनका जो ब्रेन वॉश है वो लोगों ने कर दिया था, ये इन्फ्लुएंस हो गए थे. और जो लोग हैं वो जेलस हैं कनेक्शन से, ठीक है. दूसरा मैसेज ये आया है, जो भी लोगों ने ब्रेन वॉश किया था वो जेलस हैं आप दोनों के कनेक्शन से. तो यहाँ पे डेफिनेटली मुझे और लोग भी इन्वॉल्व दिख रहे हैं जिन्होंने आपके रिलेशनशिप को ख़राब किया. नाउ आई नो इट्स यू, यू आर माई अदर हाफ एंड यू विल ऑलवेज बी बिकॉज यू कम्प्लीट मी. तो इनको ये चीज़ समझ में आ रही है कि आप इनके अदर हाफ हैं, आप इनको कंप्लीट करते हैं और आपके बिना इनकी लाइफ में कुछ भी अच्छा नहीं है. एवरीथिंग सीम्स सो डेड एंड डार्क, आप नहीं हैं तो कुछ भी नहीं है. आई गेट नाइट मेयर्स अबाउट यू मूविंग ऑन विद समवन एल्स, आई कांट टेक इट एनी मोर. तो इनको ये लगता है गाइज कि इनको नाइट मेयर्स आते हैं कि आप किसी और के साथ जो है मूव ऑन हो चुके हैं एंड अभी भी ये इस चीज़ को ले नहीं पा रहे हैं. इनके लिए आसान नहीं है क्योंकि इनको बहुत बुरा लग रहा है ये चीज़ सोचकर. इनको बहुत गलत गलत ख्याल आते हैं, रात को बुरे सपने आते हैं.
जिससे कि इनको ये लगता है कि अब ये जैसे इस चीज़ को नहीं ले पाएंगे, आप शायद किसी और के साथ चले जाएंगे, चले गए हैं इनको छोड़ के, और इनको सपना बहुत बहुत बुरा लगता है। इनको ऐसा लगता है कि जैसे ये सच ना हो जाए कहीं, या ऐसा ना हो जाए, या फिर अगर आप एक्चुअली ऐसी सिचुएशन में हैं तो ये डेफिनेटली इस चीज़ से बहुत डरते हैं और जेलस हैं उस कनेक्शन से। आई थिंक यू डोंट नीड मी एनी मोर एंड दैट ब्रेक्स मी। इनको ऐसा लगता है कि अब आपको ये नहीं चाहिए, और इनको ये चीज़ बहुत परेशान करती है, इनको तोड़ दिया है इस चीज़ ने। ओके, यू आर द वन दैट मेक्स माई हार्ट बीट फास्टर, यू आर द वन हु मेक्स मी फील पीस इन क्योर्स। तो डेफिनेटली गाइज, आप ही इनको शांति देते हैं, इनकी हार्ट बीट को जो है शांति देते हैं, और जब भी आप इनके आसपास होते हैं इनका हार्ट जैसे, इनकी हार्ट बीट जैसे फास्ट हो जाती है, धक 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 धक, है ना। बहुत जब हमें हम किसी अपने जैसे प्यार करते हैं बहुत, उसके पास होते हैं, तो हमारी हार्ट बीट तेज़ होने लगती है ना। और इनको ऐसा लगता है कि आप इनको कितनी भी प्रॉब्लम्स हैं इनकी लाइफ में, बट जब आप होते हैं तो इनको पीस मिलता है, चाहे कितने भी क्योर्स हों, कितने भी प्रॉब्लम्स हों, कितने भी ऑब्स्टिकल्स हों, बट इनको बहुत पीस मिलता है जब आप इनके पास होते हैं। तो ये थे कुछ मैसेजेस। अब हम और मैसेजेस भी देखेंगे आप लोगों के लिए गाइज। हम ये देखेंगे कि क्या अनसेड इमोशंस हैं, ऐसी क्या बातें हैं, ऐसे क्या इमोशंस हैं जो उन्होंने आपको नहीं बताए हैं, जो उन्होंने अभी तक आपको कन्फेस नहीं किया है, वो ऐसी क्या चीज़ें हैं, वो आज हम देखेंगे अनसेड इमोशंस के डेक से। आपके डिवाइन काउंटर पार्ट की तरफ से आप उस पर्सन के बारे में सोच सकते हैं व्हाइल आई एम शफलिंग द कार्ड्स, जिनके बारे में भी आप ये रीडिंग देख रहे हैं या मैसेजेस चाहते हैं। अनसेड इमोशंस क्या हैं उनकी तरफ से, उन्होंने आपको अभी तक नहीं बोले हैं। ओके, आई समटाइम्स फील एज इफ आई एम होल्डिंग यू बैक फ्रॉम फाइंडिंग द पर्सन हु डिजर्व्स यू। देखिए, इनको ऐसा लगता है कि जैसे ये आपको ज़बरदस्ती रोक रहे हैं अपनी लाइफ में, ठीक है, ये आपको ज़बरदस्ती अपनी लाइफ में रोक रहे हैं, एंड इनको ये लगता है शायद आप किसी बेटर पर्सन को डिज़र्व करती हैं। इनको ये चीज़ का बहुत गिल्ट है कि जैसे ये ज़बरदस्ती आपको रोक रहे हैं, या आप इनके लिए जो है परफेक्ट हैं, बट ये आपके लिए परफेक्ट नहीं है, ये आपके लिए अच्छे नहीं है, शायद आप किसी बेटर पर्सन को डिज़र्व करती हैं, एक तो इनको ये भी लगता है। आई वॉन्ट यू टू नो दैट द साइन That is not over yet. It's always going to be that you feel that it is not the end yet. So definitely, guys, ये end तो यहाँ पे मुझे नहीं दिख रहा है. Definitely, this is not the end. I never thought things will get so serious between us. It is that is why I am in denial. So, देखिए, एक तो इनको पता ही नहीं था कि चीज़ें इतनी सीरियस हो जाएंगी आप दोनों के बीच में, इनको ये सोच भी नहीं सकते थे इस चीज़ को। I want to live in the present with you, ये प्रेजेंट में आपके साथ जीना चाहते हैं, ये अभी आपके साथ जीना चाहते हैं, प्रेजेंट में ही आपके साथ जीना चाहते हैं, फ्यूचर के बारे में ये नहीं सोच रहे हैं, क्योंकि शायद हो सकता है आपके रिलेशनशिप में बहुत प्रॉब्लम्स है कि फ्यूचर तक बात आ ही नहीं रही है। आई नीड टू वर्क ऑन माई ईगो इशूज़ एंड यू नीड टू वर्क ऑन योर एंगर इशूज़। तो इनको ये लगता है कि इनको ईगो इशूज़ पे काम करने की ज़रूरत है, और आपको अपने एंगर इशूज़ पे, शायद आप बहुत जल्दी गुस्सा हो जाते हैं और इनके अंदर बहुत ईगो है, तो ये चीज़ इनको जो है अपने अंदर ठीक करनी है। आई डू फील गिल्टी ऑफ हाउ थिंग्स वेंट रॉन्ग बिटवीन अस, I remorse my actions. तो ये बहुत गिल्टी हैं कि जो भी बुरी चीज़ें, गलत चीज़ें आप दोनों के बीच में हुई हैं, ये इसके लिए सॉरी भी बोलना चाहते हैं, रिग्रेट फील कर रहे हैं। I want you to focus on how we can make things better because I know we can work on this connection together. तो बेसिकली ये इस कनेक्शन पे वर्क करना चाहते हैं, और ये चाहते हैं कि आप दोनों कैसे चीज़ों को बेटर कर सकते हैं, उस चीज़ पे आप दोनों ध्यान लगाएं, उस चीज़ पे फोकस करें। ये ऐसा चाहते हैं आपसे कि आप उन चीज़ों पे फोकस करें जिससे ये रिलेशनशिप बेटर हो, ठीक है गाइज। अब हम थर्ड यहाँ पर जो लेने वाले हैं डेक, वो हम लेने वाले हैं हिडन डिज़ायर्स का डेक लेने वाले हैं, कि उनकी हिडन डिज़ायर्स क्या हैं, ऐसी क्या हिडन डिज़ायर्स हैं जो वो अपने मन में सोचते हैं, उन्होंने आप तक नहीं बताया, जो वो चाहते हैं, जो उन्होंने अभी तक आपको बताया नहीं है, इस कनेक्शन को लेकर वो हम चेक करेंगे। उस पर्सन के बारे में आप सोच सकते हैं व्हाइल आई एम शफलिंग द कार्ड्स। ओके, थैंक यू सो मच, थैंक यू। कुछ मैसेजेस आए हैं, ओके, दैट्स ऑल वी नीड।
यू ड्राइव मी क्रेजी ऑल द टाइम, हाउ आर यू सो चार्मिंग. तो डेफिनेटली आप इनको बहुत चार्मिंग लगते हैं और ये आप इनको जैसे आपको देख के ही जैसे ये क्रेजी हो जाते हैं एकदम. आप इनको बहुत एक्साइट करते हैं, जैसे आई विल ऑलवेज नीड मोर ऑफ यू. इनको आप रोज़ चाहिए और ज़्यादा चाहिए और आपसे सच में ये बहुत प्यार करते हैं. आई लाइक हाउ योर हैंड्स फिट इन टू माइंड. जब आप हाथ पकड़ते होंगे और आपकी जैसे हाथ इनके हाथों में पूरे आ जाते होंगे, तो ये इस चीज़ से बहुत खुशी मिलती है और इनको अच्छा लगता है कि जैसे आप इनके अंदर पूरे तरीके से फिट हो जाते हैं, आपके हाथ फिट हो जाते हैं. ठीक है, हो सकता है ये टॉल हैं या आप शॉर्ट हैं या फिर आपके अंदर उस तरीके का एक बैलेंस्ड जो है फीलिंग आती होगी आपको, या कंप्लीट फीलिंग आती होगी जब भी आप इनको हग करते हैं. वो कंप्लीशन भी दिखा रहा है ये. आई लव दोज हग्स. देखो हग्स आ गया. आई लव दोज हग्स वेयर यू जस्ट डोंट लेट मी गो. तो इनको डेफिनेटली वो हग्स बहुत अच्छे लगते हैं जब हम जा रहे होते हैं छोड़कर, या फिर हम एक दूसरे को गुड बाय कह रहे होते हैं या बाय कह रहे होते हैं, तो हम हग करते हैं. तो वो उनको बिल्कुल भी जैसे ऐसा मन होता है कि जैसे आप नहीं जाएं, और इनको इतना अच्छा लगता है जब आप उनको इस तरीके से हग करते हैं. ठीक है, और हो सकता है कि आप बोलते हो कि मत जाओ मत जाओ, या वो बोलते हैं अभी मत जाओ थोड़ा सा और रुक जाओ. तो वो हग्स इनको बहुत अच्छे लगते हैं. लेट्स गो ऑन अ ट्रिप टुगेदर. तो डेफिनेटली आपके साथ वेकेशन के बारे में सोच रहे हैं, या आपके साथ कहीं वेकेशन पे जाना चाहते हैं. यू आर सो ब्यूटिफुल, आई हैव अ वीकनेस फॉर यू. तो आप बहुत ब्यूटिफुल लगते हैं इनको, और इनकी ये वीकनेस है जैसे, एंड आप ही इनकी वीकनेस है, आपसे ये दूर नहीं रह सकते हैं. यू आर इन माई इनअप्रोप्रिएट थाट्स. ओके, सो डेफिनेटली पर्सन कुछ बहुत ही डिफरेंट डिफरेंट चीज़ें हैं आपको लेकर सोचते रहते हैं. या दिस इज़ इट. अब हम सो गाइज, अगर हमको यहाँ पे एंजल्स कुछ बताना चाहते हैं तो वो मैसेजेस क्या होंगे वो मैं चेक कर रही हूँ आप लोगों के लिए. एंजल गाइडेंस क्या है आपके लिए? बी असर्टिव. जो भी चीज़ चाहिए उसके लिए असर्टिव रहिए गाइज, प्लीज़, वो आपको बहुत हेल्प करेगा. अपॉर्चुनिटी, कोई अपॉर्चुनिटी आती दिख रही है, हो सकता है अभी आ भी गई हो, उस चीज़ को ग्रैब आपने करना है. और अपॉर्चुनिटीज़ मुझे डेफिनेटली आती भी दिख रही हैं विद इन द नेक्स्ट फ्यू मंथ्स. अगर आपका कोई क्वेश्चन था कब मेरी इनसे बात होगी, कब चीज़ें मेरी लाइफ में अच्छी होंगी, कब ये सब चीज़ें हम लोग जो नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में हैं वो हम वापस आएंगे, या कब शादी होगी, कमिटमेंट होगी, तो विद इन द नेक्स्ट फ्यू मंथ्स मुझे यहाँ पर दिख रहा है. सॉरी, विद इन द नेक्स्ट फ्यू वीक्स मुझे यहाँ पर दिख रहा है. इट्स वीक्स नॉट मंथ. नो, अगर कोई क्वेश्चन है तो उसका आंसर है नो. एंड द लास्ट इज ट्रस्ट. यू हैव टू ट्रस्ट द यूनिवर्स. ट्रस्ट के बिना कोई भी काम नहीं होगा. अगर आप विश्वास ही नहीं करते हैं तो कोई भी चीज़ मुझे नहीं लगता है कि आपको मिल पाएगी, क्योंकि आपको विश्वास रखना बहुत ज़रूरी है अपने आप पे, भगवान पे, अपने ऊपर कॉन्फिडेंस होना ज़रूरी है, और भगवान पे और इस रिलेशनशिप पे भी. ठीक है, अब हम देख लेते हैं रोमांस एंजल्स हमको क्या बताना चाहती हैं, आपके लिए क्या करने की ज़रूरत है आपको. So here we go. Keep an open mind. Your soul mate may differ from your usual type and expectation. हो सकता है जिस तरीके का person आपने सोचा हुआ है उस तरीके का नहीं हो, थोड़ा सा different हो, but ये आपका soul mate ही है. तो अपना mind को open रखने की ज़रूरत दिख रही है. Attraction. You attract romantic love by enjoying this moment fully. तो definitely मुझे ये दिख रहा है कि attraction से शुरू होगा सब कुछ आप दोनों के बीच में, या फिर आपको किसी पर्सन से जैसे अट्रैक्शन बहुत ज़्यादा फील होगी, हो सकता है इसी पर्सन से हो. ठीक है, और आज में जीना शुरू कीजिए, फ्यूचर का मत सोचिए. को डिपेंडेंसी, हो सकता है आप उस पर्सन से बहुत ज़्यादा एडिक्टेड हैं, और यही चीज़ आपकी रोमांटिक लाइफ को इफ़ेक्ट कर रही है. किसी भी चीज़ पे इतने ज़्यादा निर्भर नहीं हो जाना है, इतने ज़्यादा डिपेंडेंट नहीं हो जाना है कि अपने आप को ही भूल जाओ, जिससे कि चीज़ें ख़राब होती हैं लाइफ में. अगर आप सोचते हैं किसी के पीछे भागने से चीज़ें अच्छी होती हैं, तो ऐसा नहीं होता. फ्री योर सेल्फ, अपने आप को फ्री कीजिए. देखिए, मैंने वही बोला है, किसी और को अपनी लाइफ का चार्ज मत दीजिए, खुद लीजिए, अपने आप को फ्री कीजिए. ओके गाइज, लास्ट मैसेज हम लेंगे एक यहाँ से. ट्रस्ट अगेन, देखिए ट्रस्ट का मैसेज देख लीजिए गाइस. ट्रस्ट एंड ट्रस्ट, यू हैव टू ट्रस्ट. आप विश्वास नहीं कर रहे हैं, ट्रस्ट इश्यूज दिख रहे हैं, ट्रस्ट करने की मुझे डेफिनेटली यहाँ पे ज़रूरत दिख रही है. अब हम न्यूमरोलॉजी डेक से भी लास्ट ये देख लेंगे कि आपके लिए क्या गाइडेंस आ रही है. न्यूमरोलॉजी डेक से आपके लिए क्या गाइडेंस आ रही है, आपको क्या करने की ज़रूरत है, गॉड यूनिवर्स आपको क्या बोलना चाहते हैं, क्या गाइड आपको कर रहे हैं, वो क्या गाइडेंस देना चाहते हैं. थैंक यू सो मच, थैंक यू.
पेरेंटिंग. ओके सो गाइज, हो सकता है यहाँ पे कुछ लोग मुझे ऐसा दिख रहे हैं कि या तो अपने बच्चों को लेकर किसी बात के लिए डिस्टर्ब्ड हैं, या फिर उनको ऐसा लग रहा है, या वो किसी से प्यार में है तो उनके बच्चे हैं तो वो बच्चों को कैसे छोड़ देंगे, इस तरीके की इशू भी मुझे दिख रहा है. या तो आपको उन सब चीज़ों से जैसे हटना है, अपना माइंड ज़्यादा उस तरफ नहीं लगाना है, लिव इन द मोमेंट. यहाँ पे मोमेंट में जीने की बात मुझे यहाँ पे आप लोगों के लिए जैसे ज़्यादा दिख रही है. इस मोमेंट में जिए आप, और मुझे ऐसा लग रहा है कि किसी को, तो ज़रूरी नहीं है सिर्फ ये मैरिड लोगों के लिए ही है, आप किसी को भी पेरेंट कर सकते हैं. ठीक है, किसी को भी काउंसिल कर सकते हैं. पेरेंट्स क्या करते हैं, काउंसिल करते हैं, प्यार देते हैं, अफेक्शन देते हैं, टाइम स्पेंड करते हैं. तो वो किसी के साथ भी, किसी को जैसे समझाने की ज़रूरत हो, किसी को, किसी का साथ देने की ज़रूरत हो, किसी को कुछ चीज़ सिखाने की ज़रूरत हो, किसी को इवॉल्व करवाने की ज़रूरत हो, तो वो शायद आपको करने की ज़रूरत है. हो सकता है आपके अपने पेरेंट्स के साथ रिलेशनशिप्स भी इतने अच्छे नहीं है. प्लीज़ इग्नोर द वॉइस एट द बैक, प्लीज़, द नॉइज इज़ टू मच, आई अंडरस्टैंड, बट देयर इज़ सम यू नो वर्क गोइंग ऑन, सो प्लीज़ एडजस्ट. ओके, तो पेरेंटिंग यहाँ पे मुझे दिख रही है डेफिनेटली आप लोगों के लिए. ठीक है, एंड किसी भी पर्सन को, हो सकता है ये आपके लिए भी मैसेज है कि आपको खुद को, अपने आप को जैसे अफेक्शन देना है, अपने आप को सही गाइडेंस देना है, सही रास्ता देना है. आप अपने आप अपने ऊपर ध्यान नहीं दे रहे हैं, और हो सकता है कई किसी लोगों के पेरेंट्स के साथ भी इशू अच्छे नहीं है, तो उसको भी बेटर करने की ज़रूरत मुझे यहाँ पर दिख रही है. ठीक है, नंबर 9, 18, 27 आपके लिए लकी हो सकता है. 6 और 3 नंबर भी आपके लिए लकी हो सकता है. डोमेस्टिक हार्मनी, घर से रिलेटेड मुझे डेफिनेटली इश्यूज दिख रहे हैं. या तो पेरेंट्स से नहीं बन रही है, या फिर घर में कोई बहुत प्रॉब्लम आ रही है. जो भी इश्यूज आपके घर से रिलेटेड हैं या पेरेंट्स से रिलेटेड हैं, वो डेफिनेटली ठीक होने वाले हैं, फॉर श्योर वो ठीक होने वाले हैं. और वो ठीक होंगे तभी आपको जो है सही रास्ता दिखेगा. तो प्लीज़ उन पर भी आप वर्क कीजिए. आपकी लाइफ में मुझे अबंडेंस आता हुआ दिख रहा है, हार्मनी, पीस आता हुआ दिख रहा है. स्पेशली घर, घर से आप जितना जुड़े हैं, जितना घर के लोगों के साथ टाइम बिताएं, उतना आपके लिए अच्छा रहेगा. नंबर 1, 19, 10 एंड 28 आपके लिए लकी हो सकता है. 4 और 6 नंबर भी मुझे यहाँ पे आपके लिए लकी दिख रहे हैं. एक न्यू बिगिनिंग मुझे डेफिनेटली होती हुई दिख रही है बहुत सारे लोगों के लिए. सो गाइज, दिस इज इट फॉर टुडे. आई होप यू लाइक द रीडिंग. अगर पसंद आई, और अगर ऐसी रीडिंग्स आप और देखना चाहते हैं, तो कॉमेंट करिए मुझे नीचे एंड बताइएगा कि डेफिनेटली आप ऐसी रीडिंग्स देखना चाहते हैं, ताकि मैं और ऐसी मैसेजेस वाली रीडिंग लेकर आऊँगी. टिल देन रखें अपना बहुत ख्याल. मिलती हूँ अगली रीडिंग में. बाय.